हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन है कि क्या वो ब्रोकरेज कैश को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनका ये क्वेश्चन है कि कैसे वो अपने ब्रोकरेज कैश को, जो कि उनको ICICI ब्रोकरेज कैश 2000 रुपीज़ मिला हुआ है, वो अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट द वीडियो बिना लेट किए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोस एंड टेक रिलेटेड वीडियोस। ये वीडियो में अचानक डायरेक्ट हाथ में फ़ोन रख कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत लेट हो चुका है और हमेशा मैं स्टैंड लेकर घूम नहीं सकता। बट ये मैसेज आप लोग को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ब्रोकरेज कैश क्या है। मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट दो वीडियोस में बता रखा है कि आखिर ब्रोकरेज कैश क्या है, बट उन दो वीडियोस को किसी भी व्यूअर्स ने या फिर ऑलमोस्ट बहुत सारे व्यूअर्स ने कम्प्लीटली नहीं देखा है। अगर देखा भी है तो वो समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ब्रोकरेज कैश क्या होता है। सो इस वीडियो में अभी हम जानने वाले हैं कि आखिर ब्रोकरेज कैश क्या होता है और क्या आप उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाँ या ना, अगर नहीं तो फिर क्यों। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन डिटेल। ब्रोकरेज कैश, आपको जो ICICI ब्रोकरेज कैश का 2000 रुपीज़ का जो भी मिला है वो एक ब्रोकरेज कैश है। आपको वही पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं या फिर आप उसे रिडीम कर सकते हैं जो आपको लिखा हो कि कैश बैक, बट आपको मिल रहा है यहाँ पर ब्रोकरेज कैश। ब्रोकरेज कैश क्या होता है? फ्रेंड्स, आप जो ICICI ब्रोकरेज ICICI डीमैट अकाउंट या फिर डायरेक्ट अकाउंट में आप डीमैट अकाउंट खोलने वाले हैं, वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप शेयर्स को बाय या सेल करते हैं। तो जब भी आप शेयर्स को बाय करते हैं ना, या फिर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते समय जब आप शेयर को बाय करते हैं, तो उस समय आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं 20 रुपये, या फिर उससे ज़्यादा भी लगते हैं या फिर उससे कम भी लगते हैं। तो जो भी लगते हैं आपको उस समय 20 रुपये चार्जेस लगते हैं। तो आपके अकाउंट में जो आपको जो फिलहाल जो 2000 रुपीज़ ब्रोकरेज कैश मिलेगा ना, वो 2000 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्जेस के जैसा ही कंटिन्यूसली जब भी आप बाय करेंगे सेल्स को, उस समय वो 2000 रुपीज़ से ही हर बार 20 रुपीज़ डिडक्ट होता रहेगा अनटिल वो 2000 रुपीज़ आपका जो ट्रेजरी होगा अब ICICI डायरेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता है। सो जैसे ही वो 2000 रुपीज़ ख़त्म हो जाएगा आपके ब्रोकरेज कैश का, उसके बाद आपके पर्सनल पैसे से 20 रुपीज़ कटता है जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जब भी आप सेल्स को बाय करते हैं। सो ये जो ब्रोकरेज कैश है वो सारे एक चार्जेस हैं, वो किसी टाइप का कोई पैसा नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ब्रोकरेज कैश क्या होता है। ब्रोकरेज कैश ब्रोकरेज चार्जेस से, जो ब्रोकरेज चार्जेस जो करते हैं आपको ब्रोकरेज कैश से कंटिन्यूसली हर बार साइमल्टेनियसली जब भी आप बाय करेंगे तो आपकी ब्रोकरेज कैश से ही हर बार 20 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ब्रोकरेज कैश क्या होता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।